अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तस्नीम मासूम और मैं एक नेचुरोपैथिक स्टूडेंट हूं। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूं, ये रेमेडी उन लोगों के हैं जिनके चेहरे पे से ग्लो ख़त्म हो जाता है। ये रेमेडी चेहरे पे ग्लो लाने के काम आती है, चाहे वो ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, एक्नी प्रोन स्किन हो या फिर जो है वो नॉर्मल स्किन हो, सबकी स्किन पर अगर ग्लो ख़त्म हो गया है तो अब आप लोगों का ग्लो वापस आएगा। कैसे और क्यों ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आइए अपनी रेमेडी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो मेरे पास सबसे पहली चीज़ मौजूद है ना, वो मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या कोई सी भी स्किन हो, सारे स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। एहतियात क्या है कि ड्राई स्किन वाले जो हैं इसको अल्टरनेट डेज पे लगाइए और किसी भी मॉइस्चराइजर के साथ लगाइए, मतलब कि ऐसी किसी चीज़ के साथ लगाइए जिससे स्किन आप लोगों की मॉइस्चराइज हो या फिर जो है स्मूथ हो जाए। क्योंकि अगर ड्राई स्किन है और आप इसको खाली पानी के साथ लगा रहे हैं तो ये स्किन और ड्राई कर देगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप रोज़ मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करें तो ये स्किन को और सेंसिटिव कर देगी और स्किन आप लोगों की ख़राब होने लगेगी। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात ज़रूर कीजिएगा जब रेमेडी बना रहे होते हैं, तो एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। मुल्तानी मिट्टी जो है एक्नी से फाइट करती है, हमारी ऑयली स्किन के अंदर जो सीवन एक्स्ट्रा हो जाता है ये उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डर्ट को कंट्रोल करती हैं, स्वेट को कंट्रोल करती हैं, हमारी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करती हैं और अंदर से हमारी स्किन की जो लेयर्स होती हैं उनको ग्लो देती हैं। और इसके अंदर जो कूलिंग एजेंट मौजूद होता है उसके ज़रिए जो स्किन पर हमारी बर्निंग सेंसेशन होती है, कोई इंसेक्ट वगैरह बाइट करके चले जाता है, ये उसको कम करने में भी मदद करती है मुल्तानी मिट्टी। इसके अलावा जो है ना, हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो होते हैं, स्किन का कलर जो ख़राब हो जाता है और पिगमेंटेशन जो हो जाती है, ब्लेमिशेस, ये सब को कम करने में, ख़त्म करने में मुल्तानी मिट्टी बहुत हेल्प करती है। मुल्तानी मिट्टी के अंदर सलाइका, आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशियम एंड वाटर पाया जाता है, जिनकी मिक्सचर से ही मुल्तानी मिट्टी हमारे पास कंपोस्ट होकर आती है। हमारे पास जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है वो मेरा है रॉ मिल्क। ये मेरे पास कच्चा मिल्क है। आप किसी भी पैक में मिल्क यूज़ किया कीजिए तो प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि कच्चा मिल्क यूज़ करें, मतलब कि कच्चा हो, पका हुआ दूध ना हो, क्योंकि पके हुए दूध और कच्चे दूध की ताकत अलग अलग होती है। कच्चे दूध चेहरे के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हाँ पीने के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए आप लोग कच्चा दूध जब फेस पैक बना करें तो कच्चा दूध लीजिए लिया करें। नहीं भाई सही से बोलिए। यार मेरे पास मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो है कच्चा दूध, कोल्ड मिल्क, रॉ मिल्क। ठंडा भी है और कच्चा भी है। आप लोग जब भी कोई पैक बनाया करें कोशिश कीजिए करें कि जो आप लोगों के पास दूध हो वो कच्चा हो, क्योंकि कच्चे दूध से ज़्यादा फ़ायदा होता है बनस्बत पके हुए दूध से। लेकिन पीने के लिए प्लीज़ कभी भी कच्चा दूध यूज़ मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कच्चे दूध में क्या होता है और ये क्या क्या करता है। कच्चा दूध जो है ना हमारे स्किन को क्लिनज़र की तरह काम करता है, मतलब कि नेचुरल क्लिनज़र होता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, सन टैन को कम करता है, स्किन के सेल को एक्सफोलिएशन करता है और हमारी एक्ने क्योर करता है। अब इसमें पाया क्या क्या जाता है, इसमें विटामिन डी होता है जिससे स्किन की कोलेजन प्रोडक्शन जो होती है वो ठीक हो जाती है। कोलेजन प्रोडक्शन की वजह से हमारी एजिंग वगैरह और जो हमारे सेल बहुत डेड हो जाते हैं ना, वो जो है ना रिवाइटलाइज हो जाते हैं, मतलब दोबारा से ग्रो करने में मदद हो जाती है। अब इसके अंदर जो है विटामिन ए भी होता है। विटामिन ए की वजह से जो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, लगता है कि पीलिंग सी हो रही है, आप लोगों की स्किन पे से पड़ते उखड़ रहे हैं, अजीब सी ये ड्राई हो गई है स्किन की, उसको जो है ना उसके सेल्स को रिन्यू करता है और वहाँ से ड्राइंग को कम करके जो है ना मॉइस्चराइजिंग देता है। फिर हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ आती है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का काम होता है वो हमारे स्किन के सेल्स को, चाहे वो टॉप लेयर हो चाहे वो इनर लेयर हो, उसके सारे सेल्स को ये जो है वो फॉर्मेशन करती है और अंदर से जाके जो है ना क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद रीन्यू मतलब दोबारा पैदा करने में उनको मदद करती है, उन सेल्स को मॉइस्चराइज भी करती है। विटामिन बी सिक्स के अंदर ये पाया जाता है। अच्छा, बायोटिन से हमारी स्किन जो होती है ना वो रिवाइटलाइज होती है और जो ड्राई और क्रैक्ड स्किन हो जाती है ना ये उसको भी ख़त्म करती है बायोटॉनिक। उसके बाद हमारे पास इसमें होता है विटामिन B12। B12 से हमारी जो स्किन अनइवन टोन हो जाती है या फिर कहीं से डार्क कहीं से लाइट हो जाती है, गर्दन हो या फिर चिन एरिया हो या फिर आप लोग कह लें जॉ लाइन हो, आप लोगों की वहां से जो है ना स्किन ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, अनइवन टोन हो जाती है, तो
जो हमारे पास विटामिन B12 होता है उसका काम ये होता है कि ये स्किन के कलर को इवन करती है। फिर हमारे पास आ जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से जो है स्किन को ना एक हाइड्रेशन मिलती है, मॉइस्चराइजेशन होती है, नरिशमेंट होती है स्किन को, और जो स्किन एजिंग की तरफ जाने लगती है ना, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ 16 साल की हो भी हो या 20 साल की भी हो, वो अपनी स्किन को ऐसा कर लेती है कि वो उनकी स्किन ना बहुत ज़्यादा उनकी उम्र के हिसाब से बड़ी लगने लगती है। तो जब वो कच्चे दूध का इस्तेमाल करती है, जो उनकी जो स्किन होती है ना, वो दोबारा से यूथफुलनेस पर आ जाती है, मींस कि उनकी जो रियल एक्चुअल एज होती है ना, उस पर आ जाती है। लेकिन जो अपर 30 होते हैं, मतलब 30 क्रॉस कर चुके होते हैं, उनकी स्किन पर एजिंग शुरू हो जाती है। तो कच्चा दूध जो है उनकी स्किन की एजिंग को कम करता है और उनकी स्किन को एक यूथनेस देता है, मतलब कि एक जवानपन देता है। वो किस तरह कि ये जो है ना आपकी स्किन की इलास्टिक सिटी को ठीक करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम जो हमारी टॉप मोस्ट स्किन की लेयर जो होती है ना, सबसे ऊपर स्किन की लेयर, उसके अपर जो इलास्टिसिटी लटक जाना, खाले बन जाना या फिर रिंकल्स फाइलेंस हो जाना, ये उसको कम कर देता है। और अगर आप इसका यूज करें तो कच्चे दूध का फेस पर मैग्नीशियम और सिलीनियम जो होता है वो सन टैन को, सन बर्न को कम करता है। और इसके अलावा इसमें पोटेशियम होता है, जो स्किन के अंदर इचिंग हो रही होती है ना, एक अजीब सी खुजली, खारिश हो जाती है ड्राइनेस की वजह से या फिर ज्यादा ऑयली होने की वजह से स्किन, ये उसको भी कम करता है। ये तो हो गई अब हमारे कच्चे दूध की बात। थर्ड चीज हमारे पास यहाँ है हमारी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के फायदे अब हर किसी को पता होने लगे हैं। आप ये एलोवेरा जेल बाजार का भी ले सकते हैं और घर का भी ले सकते हैं, लेकिन घर का एलोवेरा जेल लेने से पहले प्लीज उसको साफ कर लीजिएगा, मींस कि उसको काटेगा साइडों से, किनारों से, और उसको पानी में 2 मिनट के लिए भिगो देगा, ताकि उसके अंदर का जो आप लोग के लिए टॉक्सिन होता है ना, जो येलो वाटर होता है, वो रिमूव हो जाए और जो आपको प्योर एलोवेरा जेल होता है ना वो मिले। क्योंकि उसका जो येलो वाटर होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस इतना बता देती हूँ कि वो आप लोगों की स्किन पर इचिंग का काम करता है, वो येलो टॉक्सिन वाटर। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे जेल लिया है और मैं आपको बहुत जल्द जेल बनाने का तरीका भी बताने वाली हूँ, आप लोग सब्र करें उस वीडियो के लिए। इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिससे हमारे स्किन के सेल्स जो हैं वो अंदर से नरिश भी होते हैं, बाहर से नरिश भी होते हैं, और उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जो गंदगी होती है सेल्स की, वो खत्म करके ये नए सेल्स को भी लाता है। ये एलोवेरा जेल का काम होता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल जो है हमारी एक्ने को कम करता है, लेकिन इससे कास्टिक और डीपर एक्ने कम नहीं होती, इससे वो एक्ने कम होती है जो आपकी स्किन पे बारीक बारीक से दाने हो जाते हैं या फिर किसी डस्ट या और किसी वजूहत की वजह से स्किन पे फौरन से एक दाना निकल आता है, ये वो कम करती है, मगर कास्टिक और डीपर एक्ने इससे कम नहीं होती है, याद रखिएगा आप लोग। एंटी इन्फ्लेमेंट्री होती है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ये ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल प्रोडक्शन को कम करने का काम भी करती है, हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है, रिड्यूस करती है। इसके अलावा इसमें एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी मीन्स कि ये हमारे पोर्स को क्लीन करती है, उसके बाद इसको क्लोज करती है, और हमारे जो पोर्स खुल जाते हैं ना, ये उसको खुद बहुत श्रिंक करने में मदद करती है, और फिर हमारी स्किन टाइट भी दिखने लगती है, जिससे हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो और बेहतर हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने पैक बनाने की तरफ कि हमारे पैक को किस तरह और क्या क्या चाहिए। तो ये मुल्तानी मिट्टी मैं लूँगी, मेरे पास यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून है, तो मैं यहाँ पे 2 दफ़ा लूँगी, क्योंकि इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर जो है, आप लोग मुल्तानी मिट्टी साबुत लाएगा, उसको घर में पीसेगा, बाजार से पिसी पिसाई मत लीजिएगा। इसके अलावा जो है मुल्तानी मिट्टी का पैक कोई भी लगाए, उसको लगा के बोलना नहीं है, प्लीज, मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा के किसी को भी नहीं बोलना। फिर हम इसके अंदर दूध डालेंगे, तकरीबन 1 या 2 हो गया है, क्योंकि ये नीचे से गिर रहा है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने जो है इसके अंदर कच्चा दूध इस्तेमाल किया है। अब एलोवेरा जेल को डालने की बारी है, मैं इसको आप लोगों को सामने कर देती हूँ, ये देखें दूध। अच्छा, इस आप मुल्तानी मिट्टी का जो भी बैग बनाए ना, उसको बना के ना थोड़ी देर के लिए रख दिया करें। जब आप रखेंगे, ये भी आपको वाटरी फॉर्म में नजर आया ना, जब थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जो इसकी लेयर्स होती है ना, वो खुद ब खुद फूलने लगती हैं और ये गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको लगे मुल्तानी मिट्टी का पैक पतला है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रखें, वो खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है। मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल भी लूंगी 1 टेबल स्पून के करीब।
और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको चेहरे पे 20 मिनट के लिए लगाएंगे। पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा जब इसकी लेयर्स जो है ना वो कच्चा दूध पी लेंगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा। हम इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर हम इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे। 20 मिनट्स के लिए अपने चेहरे पे लगाइए इसको आप लोग। और इसको लगाना कैसे है कि हर 2 दिन बाद लगाइए ताकि आप लोगों की स्किन जो है वो अच्छी हो जाए और जो है डैमेज सेल्स जो हैं वो सब खत्म हो जाए और एजिंग जो हो रही है हल्की हल्की वो भी कम हो जाए। और जो आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में से यूथनेस कम हो गई है, मतलब कि आपकी एज के हिसाब से आपकी स्किन ज़्यादा लगने लगी है, वो भी ये ख़त्म कर देगा। आपको पैक का रिजल्ट अच्छा लगे कैसा लगे प्लीज़ ट्राई करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ कि आपको भी मुझे कमेंट करेगा, आपको भी मुझे कमेंट करेगा। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है आप लोगों के कमेंट्स का, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।